जौहर ने चुराया किसका आइडिया? क्या सिद्धार्थ आनंद के प्लान पर करण जौहर ने पानी फेर दिया? सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा की जोड़ी बनेगी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। सागर अंबर और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म योद्धा की कहानी एक प्लेन हाईजैक की कहानी बताई जा रही है। ऐसे में इस फिल्म में भी सिद्धार्थ एक सोल्जर की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे तो सिद्धार्थ के लुक्स और रोमांस की दीवानी है लड़कियां, लेकिन जब बात फिल्म की आती है तो दर्शक उन्हें सोल्जर बेस्ड फिल्म में काफी पसंद कर रहे हैं, फिर चाहे रिसेंट आई फिल्म शेरशाह हो या फिर योद्धा जो कि आने वाली है। इस बार वैसे सिद्धार्थ बड़े पर्दे पर पहली बार दिशा पाटनी के संग नजर आएंगे और दोनों ही लुक्स और हॉटनेस के मामले में इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे कलाकारों की छुट्टी कर देते हैं। दिशा का किरदार वैसे फिल्म में एग्जैक्टली क्या होगा ये अभी खुलकर बाहर नहीं आया है, लेकिन दिशा पटानी आजकल एक्शन सीन्स करते हुए काफी दिख रही हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही देख लीजिए। ऐसे में चांसेस हैं कि आने वाली फिल्म में दिशा भी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त एक्शन करती नजर आए, जो फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। जहां दर्शक फिल्म को देख के काफी खुश होने वाले हैं, वहीं लग रहा है कि एक इंसान काफी नाराज हो सकता है। जी हां, योद्धा से पहले सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर की खबरें तेजी से आ रही हैं और फिल्म की कहानी भी काफी आपको योद्धा से मिलती जुलती दिखेगी, या यूं कहें कि योद्धा की कहानी फाइटर जैसी है, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, जनता उसे ही सच मानती है और यही हो रहा है। फाइटर फिल्म में दीपिका और ऋतिक एक एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे और दोनों ही फिल्म में एक्शन करते दिखेंगे। ठीक आने वाली योद्धा फिल्म में भी सिद्धार्थ एक सोल्जर हैं और दोनों ही लीड कलाकार एक्शन करते नजर आएंगे। फाइटर फिल्म इंडिया की फर्स्ट रियल मोशन फिल्म होने वाली थी, लेकिन करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन फिल्म योद्धा भी अब एरियल मोशन फिल्म होने वाली है। ऐसे में फाइटर से पहले 11 नवंबर 2022 को रिलीज हो रही योद्धा बन जाएगी इंडिया की पहली एरियल मोशन फिल्म, जहां पहली बार दिशा और सिद्धार्थ की जोड़ी देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही फाइटर फिल्म में भी ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पहली बार नजर आएगी। तो अब लग रहा है कि करण जौहर ने क्लियरली सिद्धार्थ आनंद के प्लान पर पानी फेर दिया है और अब करण उसी कॉन्सेप्ट के साथ अपनी फिल्म योद्धा लेकर मैदान में आने वाले हैं। देखते हैं जब फिल्म आती है तो क्या रंग रहता है फिल्म का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फाइटर जाएगी या योद्धा? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।